So once again, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 21, and in this lecture we are going to study about the pressure and its type. Basically, हम लोग इस लेक्चर में प्रेशर के कुछ टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं. जैसे हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में, जब लेक्चर 20 में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा था, तो उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन मैनोमीटर पे जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैनोमीटर, जो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर होंगे, तो उनके जो टाइप्स होंगे वो बेसिकली इन प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. ठीक है, कि किसके लिए कौन सा हम यूज करते हैं. तो उसके पहले हमें जानना जरूरी होता है कि एक बेसिकली एक स्केल होता है प्रेशर का, कि हमें किस स्केल पे उसको मेजर करना है. ठीक है, तो कुछ टाइप्स हैं. जैसे हम लोग ये छोटा सा लेक्चर एक है उस मैनोमीटर टॉपिक के पहले, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बेसिकली कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है. ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रेशर्स को हमें मेजर करना होता है. जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे वहां पे भी हमें इन्हीं कुछ प्रेशर के नाम देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम एक सिंपल एक कर लेते हो कि एक ग्राफ बना लेते हैं, वहां से हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी सिंपल कि कैसे ये चीज आपका वेरी कर रहा है, किसको क्या हम लोग कहते हैं. ठीक, जैसे यहां पे अगर हम सिंपल एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया. ठीक है, जो सबसे निचला पॉइंट है इसको हम लिखेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर. ठीक है, मतलब कह सकते हो कि ये आपका कंप्लीट वैक्यूम होता है. ठीक, फिर यहां से बढ़ते हुए हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं. एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो मान ले रहे हैं, और वाई पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग इसको एज अ एक एक्सिस मान ले रहे हैं जहां पे हम लोग प्रेशर को शो कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो हम एक रेफरेंस ले लेंगे जहां से हमें दोनों के डिफरेंस करने में आसानी हो जाएगी. ठीक, तो मान लेते हैं ये आपका एक लाइन है जिसको हम लोग एज ए रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, और ये आपका कह सकते हो ये लाइन जो शो करेगा दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम लोग शॉर्टकट में इसको लिखना चाहें तो पी यहां हम लोग एटमॉस्फेरिक लिख देते हैं. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जिस लेवल पे हम इसको मेजर करेंगे, यानी जैसे अभी हम लोग यहां पे हैं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और हमारे पास जो हमारे ऊपर पूरे एयर का वेट लग रहा है, मतलब जो हमारे ऊपर जितनी हवाएं मौजूद हैं उनका पूरा का पूरा वेट जो हमारे ऊपर लग रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था, दिस इज 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये एक प्रेशर की वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम इतना लेके चलते हैं. ठीक, अब यहां पे आपसे पूछेगा सिंपल कि जैसे ये जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली, यहां से ही आपको रेफरेंस लेके चलना है. ठीक है, हमारे पास कितने प्रेशर हैं, एब्सोल्यूट, गेज, एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम. ठीक, तो अगर हम बारी बारी से आते हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम सबके ऊपर लग रहा होता है, यानी पूरे के पूरे जो एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंट है उसका पूरा वेट कितना आ रहा है. तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जहां पे कह सकते हो कि कंप्लीट वैक्यूम आएगा आपका, जहां पे कोई भी एयर की प्रेजेंस आपकी नहीं होगी. ठीक, अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कोई प्रेशर लगता है, मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ प्रेशर जो इस वैल्यू से ज्यादा होगा, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो अभी प्रेशर है इससे थोड़ा सा अगर एक्सीड करते हैं हम थोड़ा बहुत भी, तो वो कहलाता है गेज प्रेशर. ठीक है,
जैसे कि आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, या आप कोई हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर रहे हो, या सिंपल कोई प्लंजर, रैम, कुछ भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो जो कि एक तरीके से आपका प्रेशर इंड्यूस करता है। तो जैसे प्रेशर पंप होता है तो वो क्या कर रहा है, सिंपल कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस एटमॉस्फेरिक से ऊपर कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो वो हो जाएगा आपका गेज प्रेशर। तो यहाँ पहला पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं लिखूं यहाँ पे इस तरीके से गेज प्रेशर हम लोग लिखेंगे पी गेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो पी गेज है दिस इज द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक, मतलब जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उससे ज्यादा कोई प्रेशर की वैल्यू होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका गेज प्रेशर। तो यानी इस रेफरेंस लाइन के ऊपर कोई भी प्रेशर मिलता है, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, या यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, गेज प्रेशर होंगे। तो हम मान लो कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं अगर लिखने के लिए सिंपल, तो मान लेते हैं ये आपकी कोई वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे, ठीक है, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये क्योंकि एटमॉस्फियर से ऊपर है तो ये जो वैल्यू होगी यहां से ले तक के यहां तक की जो दूरी होगी तो इस प्रेशर को हम लिखेंगे पी गेज। ठीक है, ये हो गया आपका गेज प्रेशर। अब एब्सोल्यूट क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट जीरो से नापना उसको। अगर हम सिंपल कहीं लिखते हैं पी गेज तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। जैसे आप कहीं देखते हो मैनोमीटर लगा होगा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, या आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे, किसी कहते हो मशीनरी में अगर कहीं आप डिवाइस देखते हो जहां पे गेज रीडिंग मिलती है आपको, जो प्रेशर गेज होता है तो वो जो रीडिंग शो करता है वो हमेशा एटमॉस्फेयर से ज्यादा जो डिफरेंशियल रीडिंग होती है वो निकल के आती है, क्योंकि वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, जो फ्लूइड है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, जो सिस्टम है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, तो वो जो वैल्यू देगा हमें दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। अब अगर इसी को हम एब्सोल्यूट लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहां से ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी इस जीरो लेवल से जहां से ये शुरू हो रहा है, जीरो से लेके यहां तक की वैल्यू हो जाएगी पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि पी एब्सोल्यूट और भी कहीं हो सकता है, तो यस पी एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का कोई लाइन है उसको भी हम पी एब्सोल्यूट कह सकते हैं, उसके नीचे भी जो कोई प्रेशर आएगा उसको हम एब्सोल्यूट कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है टेक्निकली कि एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर बात करें तो इट इज द प्रेशर विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अगर आप किसी सिस्टम का मतलब कह सकते हो कि कोई न्यूमेरिकल है या कोई वर्डिंग ऐसे कह रहा है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज, तो वो एक कंप्लीट वैक्यूम या सबसे जीरो लेवल के ऊपर की बात करेगा। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि ओवरऑल काउंट करना, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मान लो जीरो से दस तक की रेटिंग है स्केल पे, तो जीरो से पांच तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर जो आएगा वो गेज होगा। तो हम अगर जीरो से पूरा नापेंगे, ठीक है, यानी जीरो से यहां भी, यहां कहीं कुछ भी, सब पी एब्सोल्यूट होगा। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाएगा तो वो पी एब्सोल्यूट भी कहलाएगा, साथ ही साथ पी गेज भी कहलाएगा। और इसी के साथ अगर हम इसके नीचे आते हैं तो आप देखो कि अगर हम प्रेशर कहीं एटमॉस्फेयर से कम हो जाए तो वो क्या करेगा, एक तरीके से सक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी फ्लूइड है, अगर आपका कोई फ्लूइड है तो ये क्या करता है, हाई प्रेशर से कहां जाएगा, टुवर्ड्स लो प्रेशर, हाई प्रेशर से ये आपका लो प्रेशर मूव करता है, कोई भी फ्लूइड आपका है। तो मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर क्यों गया होगा उसके पास, क्योंकि लो प्रेशर एक तरीके से आपका सक्शन क्रिएट किया होगा। जैसे आप लोग न्यूज में सुनते हो, अभी हाल ही में खासा हुआ था कि फ्लाइट के अंदर यानी एरोप्लेन के अंदर पायलट ने क्या किया था कि जो प्रेशराइज करना था नॉर्मल उसको उसने छोड़ दिया था, मतलब वो बटन ऑन नहीं किया जिससे प्रेशर मेंटेन होना था। जब वो हाइट पे गया एरोप्लेन तो उसके अंदर का प्रेशर काफी कम हो गया,
उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के नाक से किसी के कान से ब्लड आना शुरू हो गया था। वो सिंपल क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ जो ब्लड प्रेशर काम कर रहा है वो ब्लड फ्लक्चुएट कर रहा है पूरे शरीर में। अब अगर प्रेशर आपके शरीर के बाहर का प्रेशर आपके ब्लड प्रेशर से कम हो जाएगा तो फिर ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक फ्लूइड है और उसके बाद भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे आप सुनते हो कि पहाड़ों पे किसी के नाक में से खून निकल जाता है, किसी के आंख में से खून निकल जाता है, सॉरी कान में से निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप मिलता है। जब प्रेशर ड्रॉप की वजह से होता क्या है कि कभी कभी प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उससे भी कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर बाहर का हमसे भी कम हो गया तो वहां क्या होगा कि हमारे अंदर का फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सिंपल गैस सिलेंडर यूज करते हो या डिओडोरेंट यूज करते हो, तो क्या होता है गैस सिलेंडर और डिओडोरेंट में क्या है कि उसके सिलेंडर के अंदर कुछ एक्सेसिव प्रेशर रखा गया है जो एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, यानी वो गेज प्रेशर पे है। जैसे ही आप नॉब ओपन करते हो गैस बाहर निकलती है, ठीक। अब अगर हम कोई एक कंटेनर लें जिसका प्रेशर उस सिलेंडर के प्रेशर से ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या कभी गैस बाहर आएगी? कभी नहीं आएगा। जैसे आपके बाइक में कार में जो आप फिलअप करते हो एयर, अगर जैसे टायर का प्रेशर आप 32 PSI रखते हो, ठीक है, अगर हम बाहर का प्रेशर कह सकते हो कि 34 PSI कर दें पूरे एटमॉस्फेयर का, तो फिर वो एयर कभी बाहर निकलेगा नहीं आपकी, आपकी गाड़ी का एयर कभी कम नहीं होगा, उल्टे आपकी गाड़ी में एयर फिलअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हो जा रहा है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फ्लूइड हाई से लो मूव करेगा, तो जो ये हम कहते हैं ना वैक्यूम, मतलब वो सक्शन क्रिएट करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ सिंपल कि अभी एटमॉस्फेरिक लेवल पे सारा प्रेशर बराबर है, ठीक है, जितने भी चीजें हम देख रहे हैं सब पे एक समान प्रेशर लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगर इस वायुमंडल से अलग कहीं जाते हैं तो फिर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग जीरो स्केल लेके चलते हैं कि इससे कितना होगा कि अगर इसी सिस्टम में हमारे चारों साइड से वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है या एयर हटा ली जाए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहां पे, मतलब एयर ड्रैग नेगलिजिबल हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे भी प्रेशर का कुछ अलग वैल्यू आएगा आपका। तो अब कोई भी वैल्यू इस जीरो स्केल से लेकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, यानी जीरो से इस प्रेशर के रेंज में कोई भी वैल्यू अगर आती है तो उसको हम लोग बोलेंगे पी गेज। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट मिलता है आपको, एक पॉइंट यहां पे है, तो ये वैल्यू यहां से इतनी कम है, दिख रहा है यहां तक, तो दिस इज नोन एज पी वैक्यूम, ठीक। मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है उसको हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब कोई भी वैल्यू जो जीरो स्केल से हम लोग मेजर कर रहे होंगे। जैसे कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर यहां की हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज पी गेज, कह सकते हो, सॉरी पी एब्सोल्यूट, यानी इस जीरो लेवल से ये प्रेशर भी क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो अ पी एब्सोल्यूट, ठीक। मतलब कहने का ये हुआ कि पी एब्सोल्यूट कोई एक कॉमन रीडिंग है जो जीरो स्केल से नापी जाती, मतलब जीरो के ऊपर कोई भी वैल्यू आप नापोगे अगर उस स्केल से, दैट इज पी एब्सोल्यूट, वेदर इट इज पी वैक्यूम, वेदर इट इज पी गेज। हाँ, अब वैक्यूम क्या होगा, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां नोट डाउन करना हो तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप लोग, इस तरीके से यहां क्या लिख सकते हो, वैक्यूम प्रेशर यहां पे आ जाएगा पी वैक्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर लेस देन पी एटमॉस्फेरिक, मतलब जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से कम है उसको हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हम एब्सोल्यूट, सॉरी वैक्यूम बोलेंगे जो एटमॉस्फेरिक से कम है। अब एक वर्ड आ रहा है यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट के बारे में क्या लिखना चाहोगे आप लोग, खुद बताओ। अगर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, तो सिंपल लिखना है आपको प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो स्केल, यहां सिंपल लिख लीजिएगा प्रेशर,
इसको मिटाता हूं मैं यहां पे। प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो स्केल, मतलब जीरो स्केल से नापा जाने वाला जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, ये आपकी इतनी वैल्यू हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका प्रेशर के बारे में, कि ताकि जब लेक्चर आप एटमॉस्फेयर करोगे इसके बाद, तो आपको कम से कम ये समझने में आसानी होगी कि गेज के लिए कौन सा मैनोमीटर आएगा या गेज प्रेशर क्या प्रेशर होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक के ऊपर जो होगा उसी को गेज कहते हैं। ठीक, उसके नीचे कोई प्रेशर है तो उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। अगर कहीं एब्सोल्यूट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो आप जो प्रेशर निकालोगे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऐड करना पड़ जाएगा, मतलब कि एब्सोल्यूट के लिए आपको यहां से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन स्केल है। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर से ऊपर गए तो गेज, नीचे आए तो वैक्यूम, कंप्लीट जीरो से नापोगे तो पी एब्सोल्यूट दोनों कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में, कि बेसिकली अगर हम प्रेशर को वेरी करा रहे हैं किसी स्केल पे तो क्या क्या नाम उसको हम लोग दे सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूं मैनोमीटर वाले पे। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी हाई प्रेशर और लो प्रेशर है। ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लूइड आपका हाई से लो मूव करता है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इस वाले को भी हम लोग एब्सोल्यूट कह रहे हैं, इसको भी एब्सोल्यूट कह रहे हैं। दिस इज गेज, दिस इज वैक्यूम, ये चार चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले लेक्चर पर हम लोग मैनोमीटर वाले पे। सो आई थिंक नोट हो गया सभी लोगों का। सो ये एक इंट्रोडक्शन था प्रेशर के बारे में। आप चलते हैं लेक्चर नंबर 22 में, अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में, जहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे मैनोमीटर्स का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।